वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है काव्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने एक्सरसाइज 9 कंप्लीट कर ली थी हिंदी टाइपिंग की, और हम सीख रहे थे कि 0 लेवल से हिंदी टाइपिंग कैसे सीखी जाती है, एक्सरसाइज को कैसे आपको फाइट करना होता है, कितनी मेहनत करनी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग हम 10 नंबर एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं, जो आपके फॉन्ट है वो आपको वही रखना है जो आपने पहले रखे थे। उसके अलावा बैक स्पेस वाला आपने डीएक्टिवेट कर रखा है, डीएक्टिवेट रखिए, इसको चेंज नहीं करना है। फिंगर पोजीशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपने एस से स्टार्ट कर रखा है तो एस से सीखिए, अगर आपने ए से स्टार्ट कर रखा है तो आप ए से सीखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे जो वीडियो आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं, प्रत्येक वीडियो को लाइक और शेयर करने का आपका फर्ज बनता है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो टाइपिंग है वो उसको सीख सकते हैं और उस पर मेहनत किस तरीके से आपको करनी है। तो आज हम इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारी स्पीड क्या आने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो मिडिल रो है उससे कुछ कीपैड काम में लिए जाएंगे, उसके अलावा आ की मात्रा है वो भी यहां पर यूज की जाएगी। तो देखिए इसको शुरू करते हैं और हमारा रिजल्ट क्या रहता है चेक करते हैं अभी इसको टाइप करके। तो यहाँ पर फिंगर पोजिशन आपको वही रखनी है जो आपने शुरू में स्टार्ट किया था, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से टाइप करना है। अगर गलतियां होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज को हम एक से अधिक बार करने वाले हैं हमारा रिजल्ट है वो बेटर बनाने के लिए। यहां पर अभी हम जो टाइप कर रहे हैं देख रहे हैं कि मिडल रो में नीचे वाले जो कीपैड हैं तो एक्स और सी, उसके अलावा कोमा वाला यानी एम के नज़दीक है ये बटन यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, और आ की मात्रा के लिए आपको मिडल रो में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो टाइप करे हैं तो फिंगर पोजीशन आपकी एकदम एक्यूरेट जा रही है क्या। फिंगर पोजीशन अगर एकदम सही जा रही है तो आगे पैराग्राफ में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करके चेक करने वाले हैं कि हमारी स्पीड क्या आती है, एक्यूरेसी क्या रहती है, उसके अलावा हम कितना समय लेते हैं इस एक्सरसाइज को करने में। तो अभी हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जो रिजल्ट आया है 49 वर्ड का आया है, यानी हमारी 49 स्पीड आई है एक्सरसाइज को जब हमने पहली बार किया है। टाइम हमने 56 सेकेंड का लिया है, उसके अलावा एक्यूरेसी हमारी कम आई है 93.33। लेकिन घबराना नहीं है, हमने सिर्फ इसको एक बार किया है, आपको बार बार करना है इसको, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरीके से आपको कम से कम 30 बार करना है। क्यों करना है वो अब हम रिजल्ट देखने वाले हैं। पहले हम इसको नोट करते हैं कि हमारी स्पीड पहली बार कितनी आई है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी स्पीड है 49 है, टाइम जो लगा है वो 56 सेकेंड का टाइम लगा है। स्पीड हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 49, इसको सही करते हैं, 49 ऐड करना है यहाँ पर, और उसके बाद में टाइम हमारा 56 सेकंड का टाइम लगा है, एक्यूरेसी 93.33 है। ये नोट करने के बाद हमें इस एक्सरसाइज को सेकंड टाइम फिर करना है। क्यों करना है मैंने पीछे भी वीडियो में आपको बताया है, मैं आपको बार बार ये अवगत करवा रहा हूँ कि आप इसको बार बार कीजिए। ये जो रिजल्ट है वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा आप बेटर तरीके से टाइपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको मैं सेकंड टाइम और आपको टाइप करके दिखा देता हूँ कि जब यूज़र पहली बार टाइप करता है तो स्पीड क्या रहती है, और सेकंड टाइम जब वो टाइप करता है तो उसकी स्पीड क्या रहती है। अभी हम चेक कर लेते हैं, इसी एक्सरसाइज को हम सेकंड टाइम टाइप करेंगे। देखिए तो इसको टाइप करें हम, तो अभी हमने टाइप किया था, बाकी आप समझ गए कि यहाँ पर मिडल रो, उसके अलावा बॉटम यानी सबसे नीचे वाली रो यूज हो रही है, और अगर फिंगर की बात करें तो सबसे छोटी फिंगर है हमारी उसका यूज़ हो रहा है, और जो थंब के पास है उस फिंगर का भी यूज़ हो रहा है। पोजीशन हमारी एक्यूरेट रहती है या नहीं रहती है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज को बार बार करने का तात्पर्य आप सब समझते हो कि हम जितनी गलतियाँ करते हैं वो सारी की सारी यहीं पर सुधार करनी होती है, ना कि पैराग्राफ में जाके। पैराग्राफ में जाके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड है उसको देख सकते हो कि सारे के सारे अक्सर टाइप करते समय आपकी स्पीड क्या आ रही है। अगर गलतियां सुधार करनी है तो आपको एक्सरसाइज को बार बार करना होगा, जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपकी बेटर बढ़िया स्पीड आएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50 की स्पीड हमारी दिखाई दे रही है, अभी हमारी 49 आई थी स्पीड, टाइम है वो 55 सेकेंड का है, एक्यूरेसी है वो थोड़ा बढ़िया रिजल्ट मिला है हमें 95%। तो सोच के देखिए कि दो टाइम में हमें ये रिजल्ट मिला है, तो अगर हम इसको 5-10 बार करेंगे तो क्या रिजल्ट रहने वाला है, और उसके अलावा अगर हम इसको 30 बार कर लें, जो यूज़र एकदम नए होते हैं उनको कम से कम 30 बार करना होता है,
अब ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक स्टूडेंट को 30 बार करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अकॉर्डिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पीड यहाँ पर कितनी आ रही है। मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रत्येक एक्सरसाइज में आपकी स्पीड 60 प्लस आनी चाहिए, एक्यूरेसी है वो आपकी 98 प्लस रहनी चाहिए। टाइम अलग अलग एक्सरसाइज का अलग अलग है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब इसको नोट करते हो, जब आप पहली बार प्रैक्टिस करते हो, तो आपको इस तरीके से ही नोट कर लेना चाहिए ताकि आने वाले जितने भी आप एक्सरसाइज करवाने वाले समय में आप देख सको कि सबसे पहले 49, उसके बाद में 50, उसके बाद में क्या स्पीड है। इस तरीके से आप लगातार आंकलन कर सकते हो और खुद का मूल्यांकन आप खुद ही कर सकते हो कि आपकी स्पीड आ रही है या नहीं। वही मतलब एक्सरसाइज है, जैसे हमने 10 से वीडियो आपको दे दिए, किसी भी वीडियो में आपको ऐसा लग रहा है कि इस एक्सरसाइज में हमारी स्पीड नहीं आ रही है, तो आप उसका अलग वे चेंज कर सकते हो कि उसको आप टाइप करते समय जो गलतियां करें उसकी सुधार कैसे की जा सकती है, उसके लिए आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। उसके अलावा इस वीडियो में आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से स्पीड आपकी बढ़ नहीं रही है या फिर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। अगली एक्सरसाइज का वीडियो लेके जल्दी हाजिर होते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।